ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ओम नमो। भगवते वासुदेवाय ओम नमो। भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो अध्याय 13। और हमने सुना कि किस प्रकार से ये दूसरा अध्याय चल रहा है हमारा, मतलब इसके पहले ये हमने 12वां अध्याय की समरी पढ़ी थी, लेकिन इस अध्याय को हम एक दिन पहले कर चुके हैं कुछ लोग। तो इसका शीर्षक है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग, उसके बाद देह त्याग भी करते हैं वो। तो यहाँ पर हमने सुना कि किस प्रकार से विदुर जो है युद्ध से पहले दुर्योधन के द्वारा अपमानित होने पर तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं, और महर्षि मैत्रेय से उनका भेंट होती है, और उनके साथ कई सारे प्रश्न उत्तर होते हैं, और जब उन्हें आध्यात्मिक प्रश्नों का सारा उत्तर मिल जाता है तो वो लौट के वापस आते हैं। तो हम सुनेंगे कि वो क्यों लौट के वापस आते हैं आगे। जब वो लौट के वापस आते हैं तो जितने भी कौरव पांडव या जो भी लोग बचे थे वो सब उनको वेलकम करने के लिए आते हैं, जैसे कि कोई बहुत ही हृदय में बहुत ही अटैचमेंट जैसे उनके लिए हो, क्योंकि वो एक संत महात्मा पुरुष थे। हमने सुना कि इस प्रकार वो एक दासी पुत्र थे, एक साधारण व्यक्ति, दासी पुत्र सच अ कॉमन पर्सन, लेकिन उसके प्रति इतनी अटैचमेंट क्योंकि वो एक संत थे। हमने सुना कि किस प्रकार से जीवन की असली कमाई है कि यदि हमें कोई प्रेम करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन प्रेम करने वाला व्यक्ति तभी संसार में मिलता है जब अनअलॉयड, बिना किसी हित के, बिना किसी इच्छा के किसी को प्रेम करते चले जाते हैं, तभी हमें प्रेम करने वाले व्यक्ति होते हैं। संसार में हम जिसको प्रेम मानते हैं वो वास्तव में प्रेम है ही नहीं, वो काम इच्छाएँ होती हैं। तो इस प्रकार इनसे मिलने के लिए सभी लोग आ गए और बड़े प्रसन्न थे, वो उनके बड़े निकट गए, ऐसा लगा कि उनके शरीर में एकदम से प्राण आ गया है। और बहुत समय के बाद मिले तो सब लोग रोने लगे, इतनी अटैचमेंट थी। और राजा युधिष्ठिर ने उनको बैठने की व्यवस्था करी, उनको उनका सत्कार किया, उनका वेलकम किया। ही वॉज जस्ट अ दासी पुत्र। अगेन संत महात्मा जो होते हैं, जिनके हृदय में भगवान वास करते हैं, उनका सत्कार जो होता है वो उनके चरित्र के कारण होता है, उनके धन के कारण, उनकी उपलब्धियों के कारण, भौतिक उपलब्धियों के कारण नहीं होता है। तो जब विदुर ने, हमने सुना कि किस प्रकार से विदुर से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, जैसे जनरली हम किसी पे प्रश्नों की बारिश कर देते हैं घर में एंटर होते ही, तो वो उनके पूरा सत्कार करते हैं, बैठाते हैं, विश्राम कराते हैं, खाना खिलाते हैं, प्रसाद देते हैं, उसके बाद में राजा उनसे पूछना शुरू करते हैं। भवत विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुरुवंति तीर्थानि स्वान्तास्थेन गदाभृता। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चित ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, आप स्वयं ही पवित्र स्थान है, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण करते किए रहते हैं। अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणित कर देते हैं। ये तो कुछ और ही बोल रहे हैं, ये तो कह रहे हैं आप ही स्वयं पवित्र हैं, जिस स्थान में आप चले जाते हैं वही स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। अब सुनिए परपट क्या कहते हैं तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद। भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी हैं, आप जानते हैं इस बात को, जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली हुई है, भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उसका प्राकट्य उसी प्रकार विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है जिस प्रकार बिजली के बल्ब में बिजली प्रकट होती है। बिजली तो सब सब जगह है, पूरे घर में बिजली की तारें घुसी हुई हैं कि नहीं। कोई व्यक्ति आपसे कहे कि अंधेरा क्यों हो रहा है कमरे में, वो कह रहे जी बल्ब नहीं है, वो कह रहे बल्ब नहीं है मतलब बिजली तो है ना, बिजली तो तारों है ना दीवार में, तो क्यों नहीं है रोशनी। अब तो कैसे समझाएं कि करंट तो है लेकिन इस करंट को मैनिफेस्ट करने वाला बल्ब नहीं है। बल्ब के थ्रू जो करंट दौड़ रहा है वो मैनिफेस्ट होता है और हम उसको देख पाते हैं। उसी प्रकार परमात्मा सब तरफ हैं करंट की तरह, लेकिन वो भक्तों के माध्यम से हमें उजागर होते हैं, जैसे बिजली बल्ब के माध्यम से पता चलता है हाँ यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स डली हैं। उसी प्रकार जब हमें भक्त हमें झंझोड़ता है, अरे मूर्ख करता हमें कि मन्नत है, ये सोचता है तूने ही सब कुछ किया है, भूल गया प्रकृति को, प्रकृति के नियंत्रक को, भगवान को भूल गया, देख ऐसे हैं भगवान, ऐसे हैं भगवान, तो उसको याद आता है। तो इसी प्रकार बता रहे प्रभुपाद कि उसी तरह भक्त जो है भगवान को प्रकट करता है। विदुर जैसा शुद्ध भक्त भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है, वह प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति में देखता है और भगवान को प्रत्येक वस्तु में देखता है। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान हैं वे भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित वातावरण द्वारा
मनुष्य के दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त है। ध्यान से सुनिए, जितने भी पवित्र स्थान हैं, तीर्थ स्थान जो हम कहते हैं, वो क्या करते हैं, हमें हमारी चेतना को शुद्ध करते हैं। यानी कि तीर्थ स्थानों का मुख्य काम है हमारी चेतना को शुद्ध करना, ठीक है, ना कि कोई पुण्य कर्म पैदा करना। और वो क्यों है ऐसा, क्योंकि भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से वहां का वातावरण ऐसा हो जाता है। अब अगली लाइन सुनिए, यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है, यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है तो उसे चाहिए कि वहां रहने वाले शुद्ध भक्तों को, वहां पर शुद्ध भक्तों को खोजें, उनसे शिक्षा ग्रहण करें, उस शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारें और इस तरह धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम जाने के लिए तैयार करें। यानी कि भगवत धाम, यानी कि जब आप तीर्थ स्थानों में जाएं तो क्या करें, घूमें फिरें, कुछ अपने मन से करें। यहां बता रहे हैं कि जब तीर्थ स्थानों में जाएं तो शुद्ध भक्तों से सुने, उनसे शिक्षा ग्रहण करें, उस शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारें और इस तरह धीरे धीरे अपने आप को भगवत धाम जाने के लिए तैयार करें। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या यमुना नदी में स्नान करना, उन स्थानों में मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता। आप बताइए, प्रभुपाद बहुत ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं, जो ये चर्चा हम चैतन्य चरितामृत में भी कर रहे थे, आज वही चर्चा यहाँ पर भी आ गई कि किसी पवित्र स्थान में जाने का मतलब ये नहीं कि मंदिरों का दर्शन करना है आपको, उसे विदुर जैसे प्रतिनिधियों को खोजना चाहिए जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई आकांक्षा ही नहीं है। एंड व्हाट अबाउट दोज़ हु डोंट इवन आस्क बिफोर गोइंग, जिनके जीवन में ऐसे प्रतिनिधि हैं लेकिन वो तीर्थ स्थानों में चले जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल है इसको रोकना, जो आज भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि उसे विदुर जैसे प्रतिनिधियों को खोजना चाहिए, उसे भगवान की सेवा के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई आकांक्षा ही नहीं होनी चाहिए। भगवान सदा ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती, और हम किसी आसक्ति के कारण, हाँ, मैं और मेरा के चक्कर में ऐसे प्रतिनिधियों को इग्नोर कर देते हैं और अपना कितना भारी नुकसान करते हैं। ध्यान रखिए, अगले जन्म में हम फिर से किसी के पिता बनेंगे, फिर से किसी के माता बनेंगे, हाँ, कोई और पत्नी होगी, कोई और पति होगा। इस प्रकार से हम इनके चक्कर में जो हमें सो कॉल्ड अपने लगते हैं, जो कि हर जीवन में बदलेंगे, मेरे भी बदलेंगे, आपके भी बदलेंगे, सबके बदलेंगे, हम उस आध्यात्मिकता को छोड़ देते हैं, आध्यात्मिक गुरु को त्याग देते हैं, भक्तों को त्याग देते हैं जो कि हमारा इटर्नल फैमिली से मिलाने वाले हैं। तो ये बड़ा समझने वाली बात है कि वे भगवान की असली सेवा में विशेष रूप से श्रवण और कीर्तन के माध्यम में लगे रहते हैं। जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की असली सेवा करते हैं, विच इज भगवान का श्रवण और कीर्तन करना। शुद्ध भक्त प्राधिकारियों से श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं और भगवान की महिमाओं का लेखन करते हैं। तो शुद्ध भक्त क्या करते हैं, प्रामाणिक अधिकारियों से सुनते हैं, हाँ, उनके साथ में कीर्तन करते हैं और भगवान की महिमाओं को लिखते हैं। महामुनि व्यास देव ने नारद मुनि से सुना और सारे ग्रंथ लिखे, कीर्तन किया। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यास देव से सुना और परीक्षित को श्रीमद् भागवत बोल डाली। वहीं पर सुत गोस्वामी ने सुनी और सुत गोस्वामी ने शौनक इत्यादि को सुना दिया। इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थान में बदल सकते हैं और तीर्थ स्थानों का नाम उन्हीं के कारण होता है। ऐसे शुद्ध भक्त किसी भी स्थान के दूषित वातावरण को शुद्ध करने में समर्थ होते हैं। यानी कि तीर्थ स्थानों का महत्व भक्तों से है, ध्यान रखिए। तो ऐसे पवित्र स्थान की तो बात क्या करें जो उन स्वार्थी व्यक्तियों के संग, जो बता रहे हैं कि जो तीर्थ शुद्ध भक्त किसी भी स्थान को, दूषित स्थानों को शुद्ध बना सकते हैं, यानी कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ तीर्थ स्थान बन जाता है। तो फिर ऐसी जगह के बारे में क्या करें जो पवित्र स्थान तो है लेकिन लोगों ने उसको व्यावसायिक जगह बना दिया है, जैसे वृंदावन है। वृंदावन में इतने होटल और दुकानें खुल गई हैं, फिर भी भक्तों के वहाँ निरंतर जाते रहने के कारण वो जगह अत्यंत पवित्र है। वो भगवान का धाम तो है ही, और भक्तों के वहाँ रहने से वहाँ चार चांद लग जाते हैं और वो दिव्य जगह बन जाती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें चर्चा करी गई, पूछा, देखिए कितने प्यार से पूछा गया, कितना अच्छे प्रश्न पूछा गया। युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि कहाँ कहाँ गए थे, जहाँ भी गए थे आप तो जहाँ गए होंगे उस जगह को पवित्र कर दिया होगा आपने, ऐसा भक्तों का यहाँ पर उल्लेख हो रहा है। अपीना सुहृदतात बांधवा कृष्ण देवता दृष्टा श्रुता व यदवः स्व पुर्याम सुखम आसते। हे चाचा, आप द्वारका भी तो गए होंगे,
उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक हैं जो नित्य ही भगवान कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे तो जरूर मिले होंगे, उनके विषय में सुना भी होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक है ना, रह रहे ना। जिसके जिससे हमारी आसक्ति होती है हम उसके बारे में पूछ ही लाते हैं। माना हम अपने घर से दूर है और कोई घर से आता है तो तुरंत पूछेंगे, चिंटू ठीक है ना, चिंटू ने खाना खाया। अपने अपने है ना, चमड़ी आसक्ति होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या आसक्ति है। जब ये विदुर यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा सत्कार किया, एकाध प्रश्न पूछा, सीधा कृष्ण के ऊपर प्रश्न डाल दिया। द्वारका तो जरूर गए होंगे आप, यदुवंशियों से मिले होंगे, कृष्ण से मिले होंगे, क्या कर रहे हैं वो लोग, ठीक तो है। इसको कहते हैं आसक्ति। ये आसक्ति हमें भगवान के धाम में ले जाएगी। दिस इज द अटैचमेंट वी शुड ट्राई टू डेवलप। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक तो है ना। तो हम बता रहे हैं कि विदुर ने घर इसलिए त्यागा था जिससे कि पूर्णतः भगवान की सेवा में लगे। किंतु यादव तो ये तो पांडव हैं, यादव हैं, ये तो बिना गृह त्याग के कृष्ण के विचार में डूबे हुए हैं। इसलिए प्रभाव इसलिए बोलते हैं गृह ठाको वने ठाको सदा हरि बोले ठाको। आप घर में रहें या वन में रहें, लेकिन हरि का नाम हमेशा लेते रहें, उन्हीं के स्मरण में डूबें, तो कोई फर्क नहीं है। चाहे कोई घर में रहता हो, घर बार चला रहा हो, या घर को छोड़ दिया जाए, दोनों ही यदि कृष्ण के सेवा में निमग्न हैं तो दोनों ही समान हैं। तो ये प्रश्न जो पूछा, तो इति उक्ता धर्मराजेन सर्वं तत् समर समवर्णयत् यथा अनुभूतं क्रमशः विना यदुकुलक्षयम्। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कहना सुनाया, बताना शुरू किया कि मैं कहाँ कहाँ गया था, जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं करी। यानी कि विदुर जब वापस आए तो वो घटना घट चुकी है जो हमारे हृदय को पिघला देगी। वो कौन सी घटना है कि भगवान सारे यदुवंशियों के सहित, बलराम जी के सहित अपने धाम में वापस जा चुके हैं। अब ये बात इधर कौरव और पांडव को जो बचे लोग, इनको मालूम नहीं है। ये पूछ रहे हैं, आप गए होंगे वहाँ पे, सब ठीक तो है। और विदुर जो है सारी बात बताई, मैं कहाँ कहाँ गया, मैं मैत्रेय ऋषि से मिला, ये प्रश्न उत्तर हुए, लेकिन ये वाली बात नहीं बताई। ननु अप्रियम दुर्विषम निणाम स्वयं उपस्थितम न आवे दयत सकरूण दुखितान दृष्टुम अक्षमा। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी दुखी नहीं देख सकते थे, अतः उन्होंने इस अप्रिय असहनीय घटना को प्रकट नहीं होने दिया। क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती रहती हैं। तात्पर्य प्रभाव बताते हैं कि नीति शास्त्र के अनुसार ऐसी अप्रिय सत्य नहीं कहा जाए तो अच्छा है। आजकल लोगों को इमोशनली एक्सप्लॉयट किया जाता है। मैं आपको एक घटना बता रहा था कि मैं किसी के कुछ साल पहले किसी के 13वीं में गया था, और मैं वहाँ सुन के हैरान रह गया कि वहाँ क्या चल रहा था। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ उन्होंने एक 13वीं को संपन्न करने के लिए एक सिंगर को बुला रखा था, सिंगर ही कहूँगा मैं तो उन्हें, जो कि अच्छे बैठे थे गाजे बाजे के साथ, और उन्होंने क्या गाना शुरू किया, चिट्ठी ना कोई संदेश कहाँ तुम चले गए। और उसको सुनते ही जो लोगों ने वहाँ रोना शुरू किया, और वो गाते ही चले गए, चिट्ठी ना कोई संदेश कहाँ चले गए, और लोग दहाड़ मार के रोने लगे। बेचारे संतों का काम होता है लोगों को दुखों से निकालना, ना कि उन्हें इमोशनली एक्सप्लॉयट करना। संत लोग जब ऐसी सभा में जाते हैं तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अरे धीर बनो भैया, धीर बनो। एक धीर व्यक्ति शरीर के परिवर्तन से दुखी नहीं होता, क्योंकि वो देखता है कि बचपन से लेकर बड़े होने तक शरीर में रोज ही परिवर्तन होता है। बच्चा शरीर, जवान शरीर, बूढ़ा शरीर टोटली बदल जाता है। तो उसी प्रकार बुढ़ापे के बाद वो शरीर एक और धारण कर लेता है। वहाँ सांसी जीर्णानी यथा व्याय, जब वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो हम जिस प्रकार नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा नया शरीर धारण करती है। तो वो तो ये प्रवचन देके लोगों के हृदय को ढांढस बताता है, भगवान की तरफ मोड़ता है। लेकिन ये लोग जो इमोशनली एक्सप्लॉयट करते हैं, ये हमें बड़े प्रिय लगते हैं, पिताजी कहाँ चले गए, वो और ज़्यादा उसको रुला देते हैं। और ऐसा व्यक्ति इतनी डिमांड में आता है, सर आप तो बहुत अच्छा कर रहे थे, जरा अपना कार्ड वार्ड दोगे, हाँ क्योंकि हमारे घर में भी होगा तो हम आप ही को बुलाएंगे, और हमें
कई सारे टीवी सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं एक रात को सीरियल देखती हूँ, उसमें बेचारी सास वैसे ही पीड़ित है जैसी मैं अपनी बहू से पीड़ित हूँ, वो सास भी वैसे ही पीड़ित है। ये सीरियल मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पे टैन टैन उसके एंड में कोई अचानक से कोई रहस्य आएगा, कुछ आएगा, कोई रो रहा होगा, कोई धो रहा होगा, बड़े अच्छे लगते हैं। बागबान दिल बाग बाग हो जाता है। ऐसे चीज़ों से आदमियों को एक्सप्लॉयट करा जाता है उसको इमोशनली, और हमें बड़ी भाती हैं चीज़ें, रोते हैं, तसुए बहाते हैं, ज़बरदस्त तरीके से रोते हैं। कृष्ण के लिए तो आज तक रोए नहीं, हाँ, लेकिन ऐसे इमोशनली फूल बन के हम अक्सर रोते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि नीति शास्त्रों के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को उससे रिकवर कराने के लिए उसको ज्ञान की बात करनी चाहिए, उसको थोड़ा सहानुभूति कर सकते हैं हम, विच इज़ ओके कि हम आपके दुख को समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा जरा इस तरफ भी नज़र डालिए। ऑल दो इस दुख से निकला नहीं जा सकता है, लेकिन समय जो है इज अ ग्रेट हीलर। समय के साथ व्यक्ति हर चीज़ को सहना सीख जाता है, लेकिन जरा तनिक भगवद्गीता के इस दूसरे अध्याय में जोर डालिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो भक्त जो है साधु सच्चाई से हमें अच्छी तरीके से दुख निकालते हैं और समाज में लोग एक्सप्लॉयट करते हैं। तो विदुर बड़े सतर्क थे, उन्होंने सोचा कि अभी इस बात का जिक्र करना ठीक नहीं है। उन्होंने पूरा अपना घटना बताया कि मैं कहाँ कहाँ गया था, वहाँ पे क्या क्या हो रहा था, लेकिन इस बात को छुपो गए क्योंकि भगवान का जाना असहनीय था पांडवों के लिए। और वास्तव में ऐसे हुआ, जब आगे जाके पांडवों को पता चलता है कि भगवान चले गए, तो पांडव सारा राज्य छोड़कर देते हैं परीक्षित महाराज के हाथ में, आप इसको संभालो, अब हम चले, तुम राज्य संभालो, हमने बहुत राज्य चला लिया। यानी कि सोचिए, इतनी बड़ी ऑपुलेंस, इतना बड़ा राज्य कोई छोड़ दे, किसी के जाने के कारण वो भी छोड़ दे। देवर ग्रेट डिवोटीज ऑफ कृष्णा, देवर नॉट, वो बिल्कुल अटैच नहीं थे अपनी संपत्ति से, अपने राज्य से। इधर भगवान गए, पीछे से पांडव चले गए, असाधारण लोग थे, इसलिए उनके साथ भगवान ने ऐसा संग किया। इसलिए यही है आज हम डिस्कस कर रहे थे कि ये वाली आसक्ति ज़बरदस्त आसक्ति, कृष्ण गए तो हम उनके पीछे पीछे चले गए, ऐसी आसक्ति यदि हमें हो जाए, जैसा हम सुनते हैं, हाँ हम सुनते हैं जय नहीं लो प्रेम धन करुणा प्रचुर, उसमें सुनते हैं कि किस प्रकार मैं अपना माथा फोड़ दूंगा। हाँ, वो सॉन्ग में नरोत्तम दास झा लिखते हैं, कहाँ गए रामचंद्र, कहाँ गए श्रीनिवास आचार्य, कहाँ चले गए तुम, क्योंकि वो चले जाते हैं संसार को छोड़ के। और हम ऐसी कथाएं सुनते हैं कि एक वैष्णव कई बार इतना अटैच होता है एक वैष्णव से कि वो त्याग ही देता, अपनी देह त्याग देता है। तो ये जो वैष्णव से अटैचमेंट है, दिस इज़ कॉल्ड रियल अटैचमेंट, ऑल दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट समटाइम टू अंडरस्टैंड, बट जो हमें संसार में अटैचमेंट, हम इसको गलत नहीं कह रहे हैं, इसका मुख थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा। यदि वे भगवान के धाम, भगवान के भक्तों की तरफ चला जाएगा, तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे, अदरवाइज हम इसी संसार में इसी तरह के रिश्ते बनाते रहेंगे। इन रिश्तों को निभाने को हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अपनी आसक्ति हम भगवान से, भगवान के नाम से, भक्तों से रखें और संसार में सारी जिम्मेदारी निभाएं। ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है, आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए है, किसी एक आदमी के लिए नहीं बोला जा रहा है। हाँ, इसलिए इसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। और हमने समझा किस प्रकार से विदुर ने कैसे सही चीज़ को सामने रखा और जो चीज़ अभी उनको बहुत दुख देने वाली थी उसको छुपा लिया, और इस प्रकार से विदुर जो है आगे इस बात को जारी रखेंगे। विदुर के आने का कोई विशेष कारण है जो अभी थोड़े समय में उजागर होगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।